Hi friends, how are you? Well, this is Rahul Singh Parmar. Well, आज के सेशन में हम अपना रीजनिंग का जो बेसिक टॉपिक है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट या सीरीज वो आज हम स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें किया जाए, ना ही 100% एक्यूरेसी के साथ बल्कि स्पीड के साथ भी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने जब आपको रीजनिंग का सिलेबस बताया था तो उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक अपना जो डिस्कस किया था वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट सीरीज, जो कि आपका 5 मार्क्स का वेटेज लेता है, 2 से 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसके आपके क्लर्क पीओ में आते हैं, बैंक में भी, इंश्योरेंस में भी और एग्जाम्स में भी। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट सीरीज जो कि एक टॉपिक है, इसको हमने 2 पार्ट से सेग्रीगेट किया है। पहला अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज जो कि 5 मार्क्स का आता है, और दूसरा पेयर्स ऑफ लेटर्स जिसमें हमें पेयर्स बनाने होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, एक शब्द दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है इसमें कैसे कितने शब्दों के जोड़े बनेंगे। खैर, दोनों की बात करते हैं। ये जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्क्स का, इसमें एक आपको सीरीज आती है जिसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं, कुछ सिंबल्स भी होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं, और जिस पर बिहाफ आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर देना होता है 5 मार्क्स के वो क्वेश्चन। तो खैर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके क्लर्क वगैरह एग्जाम में आते हैं, यानी कि बेसिक एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स का जो रहता है वो क्लरिकल एग्जाम में रहता है, जबकि चूंकि इसका बेस, इसका जो लेवल है वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए एक पीओ के एग्जाम में नहीं आता है। जबकि अगर हम बात करें पेयर्स ऑफ लेटर तो ये आपके हर टाइप के एग्जाम में आते हैं, और यही अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ये आपका क्लर्क में भी आता है, पीओ में भी आता है, एसओ में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एलआईसी में भी आता है, सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ये है, मतलब 1 या 2 मार्क्स के आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो सीरीज पर आधारित होते हैं, किस तरीके से सीरीज आती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें करना होता है, और आप और कैसे इंप्रेसिवली उसको कम समय लेते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, जिस पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहां एक आपको सीरीज दे रखी होगी जैसे इस तरीके से एफ एट द रेट 5 3 R डॉलर JP E1 HYI Q4 B8A W2 UG6 asterisk 5 Z N M copyright V। जैसे खैर, ये आपको एक पूरी सीरीज दे रखी है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 to 5, 1 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से एक सीरीज आएगी आपके एग्जाम में जिस पर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां हमने क्या करा है कि यह एक ऐसी सीरीज दे रखी है जिसमें आप देख रहे हैं कुछ अल्फाबेट भी हैं, कुछ सिंबल भी हैं, कुछ नंबर भी हैं, इस तरीके से आता है F@JP E1 HYI Q4 B8A W2 UG6 asterisk 5 ZNM copyright V। ओके, तो अब यहां क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन है विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th from the left end of the above element.
यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसमें ये दे रखा है कि विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। इसको हम हिंदी में समझते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में से बाएं, उपरोक्त व्यवस्था में से बाएं से 18वें तत्व के बाएं 10वां तत्व कौन सा होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड है और वो हमारा राइट साइड है, यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बायां और दायां। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बाएं छोर से उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं 10वां तत्व कौन सा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब नॉर्मली आप इसे किस तरीके से करते हैं, आप इसे ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर आप देखें तो लेफ्ट से यानी कि बाएं से 18th एलिमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ए। अब आप इसकी बात करें तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो वह उसने यही बोला है कि बाएं से 18वें तत्व के बाएं 10वां तत्व कौन सा होगा, यानी कि जो लेफ्ट से 18th एलिमेंट है उसके लेफ्ट 10th कौन सा होगा। तो इसके लेफ्ट में इधर ही जाऊंगा, और ये ध्यान रखिएगा जब आप इसके लेफ्ट में 10th काउंट करेंगे तो इसे खुद को नहीं गिनेंगे, मतलब यहां से आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी, यानी कि हमने क्या काम करा, पहले लेफ्ट से 18th काउंट करा, फिर उसके लेफ्ट में जाकर के 10th काउंट करा, और जो हमारा आंसर आया वो हमने मेंशन कर दिया। अब सवाल ये है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है इसका वो इतना टफ नहीं है कि आप ना कर पाओ, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर चीजें आसान है तो हम उसे विद इन नो टाइम में करें, यानी कि यही चीज जो एक कॉमन स्टूडेंट इस तरीके से करेगा आप उसे कैसे इजिली कर सकते हैं। तो खैर हम अब इस बात पे डिस्कस करते हैं कि जो काम हमने किया कि पहले हमने लेफ्ट से 18th काउंट करा, फिर हम वापस लेफ्ट में गए, फिर हमने 10th काउंट करा और हमारा आंसर आया। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को इसके चार प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अब इसने दिया विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th, यहाँ राइट भी हो सकता है, लेफ्ट एंड ना देकर के राइट एंड भी दे सकता है, तो हम इसे किस तरीके से इजिली करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सीरीज है आपके सामने इसको हम पांच पांच के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे एफ एट फाइव थ्री आर डॉलर जे पी वन एच वाई आई क्यू फोर बी एट ए डब्ल्यू टू यू जी सिक्स एस्ट्रिक फाइव ZNM copyright V, okay? यहां भी काम करते हैं UG6 asterisk एक एलिमेंट और ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ हो जाए, 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां 9 5ZNM copyright, ऐसा मैंने इसलिए करा है कि वैसे पांच पांच के पेयर बन रहे थे, लेकिन यहां हमने क्या करा, पांच पांच के पेयर बनाया तो एक हमारा एक्स्ट्रा रह गया। जरूरी नहीं है कि कोई भी सीरीज हमेशा पांच पांच के में हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 15, 20 या 25 के हिसाब से दे रखा हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये करने के लिए ऐसा ले लिया। तो यहां आप देख रहे हैं इस सीरीज में हमने पांच पांच के पेयर बना दिए। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ध्यान रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और अगर उसमें इस तरीके से दे रखा हो, यानी कि अगर दो बार राइट राइट दिया हो तो हम करेंगे माइनस, या दो बार